दैनिक अखबार के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के 23वां कार्यक्रम के विकास तथा गाथा यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आयोजकों ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण में दैनिक अखबार समूह के प्रधान प्रबंधक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 23 माह के विकास कार्य, विकास गाथा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्रमवार जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि 23 माह के उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर काफ़ी अग्रसर रहा, जहाँ गरीबों को आवास, बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास इस सरकार ने किया है। वहीं प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन कर प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने का भी काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में उभर रहा है। सीएम योगी ने कहा, दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा परिवर्तन के 23 माह, मैं मंच से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उपस्थित जन समूह से अनुरोध करता हूं, जोरदार कर्तव्य ध्वनि के द्वारा उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से संबंधित 5 विभिन्न पक्षों के विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार विमर्श किए। मैं बेहद संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी सत्रों के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं। प्रथम सत्र था अन्नदाता की बदलती तस्वीर, जिसमें किसानों से चर्चा की गई। तीसरा सत्र था सामाजिक समरसता में गोरक्षपीठ का योगदान, जिसमें गोरक्षपीठ के द्वारा सामाजिक समरसता के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय योगदान को अपने जन समूह से जोरदार कार्यों के साथ आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दैनिक जागरण गोरखपुर के संपादकीय प्रभारी और सौभाग्य का प्रतीक होता है और मैं उस पौधे के समर्पण के माध्यम से समृद्धि और ऊर्जा के श्री आशुतोष शुक्ला जी, राज्य संपादक दैनिक जागरण लखनऊ, उनका स्वागत करता हूँ। संतोष की बात यह है कि लोग मान रहे हैं कि वह एक गतिमान सरकार के साथ काम कर रहे हैं, गतिमान सरकार में, गतिशील सरकार में, और आपस में बहुत सद्भाव रखते हैं। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बधाई, हर हर महादेव। 23 माह परिवर्तन के इससे संबंधित उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा दिन भर का जो कार्यक्रम रहा है, 5 सत्रों में इसे समेट करके प्रदेश के विकास और प्रदेश में बदलती हुई तस्वीर को आगे बढ़ाने के लिए दैनिक जागरण परिवार के द्वारा जो एक पहल की गई है, मैं सबसे पहले दैनिक जागरण परिवार को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। दैनिक जागरण के राज्य संपादक
सम्मान्य जी, स्थानीय संपादक श्रीमान जितेंद्र तिवारी जी, दैनिक जागरण परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन और इस सभागार में उपस्थित गोरखपुर के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य विभूतियाँ, आप सबको मैं शिवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो तांडव करने में भी कोई गुरेज नहीं करते। हम सबको कामना करनी चाहिए इस देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन लोक मंगलकारी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा है, ये लोक मंगल के कार्यक्रम द्रुत गति से आगे बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन के घर में यही पांडव हमारे जवान जवान मचाते रहे जो अभी एक साथ चलेंगे तो लोक की व्यवस्था भी अच्छी चलेगी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के और परिवर्तन के 23 माह, विकास यात्रा के 23 माह हैं, इससे संबंधित दैनिक जागरण की पहल, मैं इसका स्वागत करता हूं। आज से 23 माह पूर्व जब प्रदेश की बागडोर मेरी टीम को सौंपा गया था, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और प्रदेश में इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये दायित्व मेरे ऊपर सौंपा कि उत्तर प्रदेश की इस वर्तमान दशा और दिशा में व्यापक परिवर्तन लाने और उत्तर प्रदेश के विश्वास को बहाल करने के लिए इस जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। तो हम लोगों ने उसे एक चुनौती के रूप में लिया। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 23 माह पहले या आज से 24 माह पहले यानी 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हर नौजवान के सामने अपना पहचान का एक गंभीर संकट था। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कस्बे ऐसे थे, बहुत सारे जनपद ऐसे थे जिनके नाम पर मुंबई में होटल में कमरा नहीं मिलता था, जहां पर उस जनपद का नाम आने पर लोग पीछे हट जाते थे। उत्तर प्रदेश का युवा देश के अंदर कहीं भी जाता था तो उसके सामने अपनी पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा होता था। 15 वर्ष के कुशासन ने पहचान का जो संकट हम सब के सामने खड़ा किया है, केवल पहचान का ही संकट नहीं था, आजादी के बाद से जो नींव रखी गई है वह विकास और सुशासन की नहीं बल्कि व्यक्ति परिवार और दुर्भाग्य से आगे चल करके जाति तक सीमित होकर के भारत के विकास को या प्रदेश के विकास को बाधित करने जैसा था, प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा करने जैसा था और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीमारू राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया गया। आश्चर्य होता है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसमें अपार संभावनाएं और इन संभावनाओं को हकीकत में बदल दिया जाए तो उत्तर प्रदेश अकेले उत्तर प्रदेश
दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी जब बीमारू हो जाएगा तो तब तो भगवान ही मालिक है और यही सब होगा। ये चुनौती हम सबके सामने थी और मुझे संतोष है इन 23 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से हटाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। जो उत्तर प्रदेश आज से 23 माह पूर्व केंद्र सरकार की किसी भी फ्लैगशिप स्कीम में कहीं भी उसका नंबर नहीं होता था, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा स्थान ग्रामीण क्षेत्र में 17वें नंबर पर और शहरी क्षेत्र में 23वें नंबर पर था, आज उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है पूरे देश में। नंबर एक पर इसलिए क्योंकि हमने शहरी क्षेत्र में 9 लाख परिवारों को और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। केंद्र सरकार के द्वारा आवास योजना के जब 12 पुरस्कार घोषित हुए थे उनमें से 5 प्रथम पुरस्कार पूरे देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। स्वच्छ भारत मिशन, मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन की जब मैं बात करता हूं तो स्वच्छ भारत मिशन उन मासूम बच्चों के प्रति जिन्होंने असमय व्यवस्था की कर्मण्यता और कुशासन के कारण दम तोड़ा है, इंसेफ्लाइटिस के कारण, उन बच्चों के प्रति सबसे अच्छी श्रद्धांजलि मानी जा सकती है। क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन उस इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी पर सबसे जोरदार प्रहार है। और इस दृश्य में कह सकता हूं कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए तो मुझे बताया गया कि मिशन की घोषणा 2 अक्टूबर 2014 को हो चुकी है लेकिन पिछली सरकारों ने रुचि नहीं ली है, इसलिए प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 2,49,00,000 शौचालय बनाने हैं और इस कार्य को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करना है। क्या इसको पूरा करेंगे तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या ये कार्य है, कैसा कैसे करेंगे, लेकिन मैंने कहा भी अगर ये चुनौती है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पूरे भारत की सफलता है, दुनिया के अंदर भारत के परसेप्शन को बदलने की एक सफलता है, लेकिन यह भारत के अंदर तब सफल होगा जब उत्तर प्रदेश सफल होगा क्योंकि 9.5 करोड़ शौचालय में से 2.5 करोड़ शौचालय अकेले उत्तर प्रदेश में बने। तो मैंने कहा भी 2 अक्टूबर 2019 नहीं, मुझे अक्टूबर 18 तक का समय चाहिए और 18 तक हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 2,49,00,000 शौचालय 30 नवंबर 2018 को बना करके पूरे कर दिए। पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। आज आप जाएंगे हर गांव में आपको दो चीज जरूर देखने को मिलेगी, एक जिन गरीबों के पास आवास नहीं था प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ 1 से लेकर 100 घर हर ग्राम पंचायत में मिल जाएगा, दूसरा जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे उनके पीछे या उनके घर के अगल बगल कहीं एक पक्का शौचालय उस परिवार का मिल जाएगा। ये स्वच्छ भारत मिशन एक एक इज्जत घर प्रत्येक परिवार को देना इस बात की निशानी है कि हमने न केवल उस परिवार को स्वस्थ होने के लिए आग्रही बनाया है, उसको स्वस्थ होने के लिए प्रेरित किया है, अपितु नारी गरिमा का भी सम्मान रखा है। नारी गरिमा का सम्मान इस बात को लेकर आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में कितनी खराब स्थिति थी, जब
अंधेरा होता था या अंधेरे होने के पहले या अंधेरे होने के बाद, तब महिलाएं शौच के लिए, नित्य क्रिया के लिए, निवृत्त होने के लिए जा पाती थी, अगर घर में शौचालय नहीं है तो। और किस प्रकार की भीषण स्थितियों का सामना उनको करना पड़ता रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यह कार्य संभव हो पाया कि देश के अंदर हर गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया जाए। और इसका नामकरण उत्तर प्रदेश ने इज्जत घर के नाम पर किया, एक एक इज्जत घर प्रत्येक परिवार को दे दिया जाए जिनके पास नहीं है। अभी हमने बेसलाइन सर्वे के अनुरूप दिया है, बेसलाइन सर्वे के बाहर छूटे हुए लोगों को वर्तमान में हम लोग इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ, जब स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश का कवरेज केवल 23% था, नेशनल कवरेज 46% था, 46% था। जब हम लोग प्रदेश में आए, सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश का कवरेज वही था लेकिन नेशनल कवरेज 66% पहुंच चुका था। और आज उत्तर प्रदेश का कवरेज 100% है और नेशनल कवरेज 97%। हम लोग उससे भी आगे बढ़े हैं, लगभग 3 करोड़ परिवारों को रसोई के बिजली के कनेक्शन दिए गए, उनमें से 1 करोड़ उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश उस हर क्षेत्र में नंबर 1 की ओर बढ़ा है। जब मैं आज आपके बीच में यहां मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश ने विगत 23 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा उनके खाते में सीधे उनके अकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में डाला है, 56,000 करोड़ रुपया। मुझे लगता है इसमें देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके वार्षिक बजट भी 56,000 करोड़ नहीं है। हम यहाँ पर अपने 35,00,000 किसानों के अकाउंट में इतनी बड़ी धनराशि उनके गन्ना मूल्य के भुगतान का करवाने में सफल हुए हैं। हमारे आने के पहले प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आप किसान को बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं कि किसान का हम आमदनी कई गुना बढ़ा देंगे, किसान के चेहरे पर खुशहाली ला देंगे, लेकिन जब आप उसकी उपज को खरीदने की ही व्यवस्था नहीं करेंगे तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य तब प्रभावी हो सकता है जब उसकी उपज को खरीदने की व्यवस्था भी हो। और उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो मैंने प्रशासन से पहले प्रश्न ये किया था, मैंने कभी यहाँ पे एमएसपी की क्या बात, घोषणा की बात, उसकी प्रोक्यूरमेंट की आपकी पॉलिसी क्या है? उन्होंने कहा एमएसपी केंद्र सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार इसको घोषित करती है, लेकिन प्रदेश में उन किसानों के लिए एमएसपी के अनुरूप व्यवस्था हो इसके लिए हमारे पास कोई भी हमारी योजना नहीं है, क्योंकि हम किसान से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, ये आड़त के माध्यम से होता, आड़तियां जो करना होता वो करते हैं, हमें जो आवश्यकता होती है हम आड़तियों से खरीदते हैं। हमने कहा भी ये व्यवस्था नहीं लागू हो सकती। प्रदेश के अंदर हमें प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी बनानी है। और केवल मैं उदाहरण दूंगा कि 2017 में जब हम लोग आए थे, मार्च 17 को मैंने शपथ लिया था, और 24-25 मार्च के आसपास हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट के बारे में जब अपनी पहली बैठक की थी, उन्होंने उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लागू करवाना चाहिए और किसी एक राज्य को देख लें जहां पर प्रोक्यूरमेंट की लोगों ने पॉलिसी बनाई है। मैंने 29 मार्च को अपने 3 अधिकारी और 2 मंत्रियों को छत्तीसगढ़ भेजा। मैंने कहा भी वहां पे पेड़ी खरीद, धान की अच्छी खरीद होती है, तो हमने कहा वहां पर आप जाइए देखिए उनकी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है। और एक टीम वहां गई, ये टीम इससे पहले वहां से आती तब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 5,000 क्रय केंद्र खोल चुके थे। और मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में हम लोगों ने 37,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया और किसानों के खाते में आरटीजीएस से पैसा दिया, लेकिन उस समय समर्थन मूल्य कुल 1460 रुपए था, 10 रुपए हमने अतिरिक्त दिए, यानी 1470 रुपया एक किसान को हम उसके अकाउंट में दे पा रहे थे। यानी 2 वर्ष पहले
अप्रैल 17 में ये एमएसपी था। इस देश के किसानों को, इस देश के आम नागरिक को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने एमएसपी लागत का 1.5 गुना बढ़ाने का कार्य किया और आजादी के बाद पहली बार ये कार्य हुआ है। अन्नदाता किसान को ध्यान में रखकर के नीति बने, उस प्रकार के कार्यक्रम बने और फिर उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आपने देखा होगा कि 17 में जिस अन्नदाता किसान को हम 1460 रुपए दे रहे थे, आज 2018 में जो एमएसपी भारत सरकार ने घोषित किया है 1840 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का किया है और प्रदेश सरकार 20 रुपए अतिरिक्त प्रति क्विंटल किसान को देगी, यानी 1860 रुपए, 400 रुपए का वृद्धि एक यानी केवल 2 वर्ष के दौरान प्रत्येक किसान को प्रति क्विंटल गेहूं के दाम में प्राप्त होने वाले हैं। यह बदलती हुई वह तस्वीर है जो प्रदेश के अंदर और विगत वर्ष यानी हम लोगों ने 37 लाख मीट्रिक टन कार्य क्रय किया था 17 में, 18 में हम लोगों ने क्रय किया 53 लाख मीट्रिक टन और 19 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं के क्रय का और सेंटर हमारे पहले अप्रैल से खुल जाएंगे 6000 स्थानों पर जहां से किसानों से सीधे क्रय होगा और किसान के खाते में 72 घंटे के अंदर धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अन्नदाता किसान के लिए धान, आपने देखा होगा 17-18 में हमने धान का क्रय किसानों से किया 42 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष अभी जनवरी 31 तक हम लोगों ने धान का रिक्रूटमेंट किसानों से सीधे किया है और अब तक हम लोग 48 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से सीधे किए हैं। समर्थन मूल्य का 1.5 गुना 1750 और 1770 रुपए ये एमएसपी था, हम लोगों ने 1770 और 1790 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से दिया है। किसान के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो कार्यक्रम लागू हुए हैं उनमें आपने देखा होगा सबसे पहला कार्य हर व्यक्ति अपने स्वयं के स्वास्थ्य की जांच कराता है, अपना ब्लड प्रेशर नापता है, अपना ब्लड शुगर नापता है, अपने हेल्थ का पूरा चेकअप करता है। लेकिन जिस धरती माता के द्वारा हम सब के पेट को भरने के लिए अन्न उत्पन्न किया जाता है उस धरती माता के हेल्थ को जांच करने की कभी कोई व्यवस्था पिछली सरकारों ने नहीं की थी, ना कोई जागरूकता का कोई कार्यक्रम बनाया था। और याद करिए प्रधानमंत्री मोदी के पहले भाषण में जब उन्होंने कहा था हर किसान के पास उसकी जमीन का सॉयल हेल्थ कार्ड होगा। उत्तर प्रदेश ने 4 करोड़ से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए हैं और सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हमारी उर्वरक की खपत कम हुई है, तमाम अन्य ऐसे पोषक तत्वों की जो आवश्यक नहीं थे लेकिन किसान जागरूकता के अभाव में अपने खेतों में डालता था, उसका प्रभाव रहा है कि काफी बचत किसान की हुई। सॉयल हेल्थ कार्ड के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान को उसकी उपज अगर किसी आपदा के कारण वह नष्ट होती है उसको उसका दाम मिल सके, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से लगते रहे लेकिन किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए गए, ये धरती पुत्रों का कार्य है जिन्होंने किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। और दूसरा कार्य बाण सागर परियोजना मिर्जापुर और प्रयागराज इन दोनों जनपदों में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए बनाई गई थी 1973 में, योजना आयोग ने 1973 में पानी नहीं देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उसके खेतों में अच्छा अन्न उत्पन्न होगा, ये कल्पना अपने आप में बेमानी है। सरयू नहर परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, कनहर परियोजना, ये 4 अन्य परियोजनाएं हैं जिसके लिए एक साथ
मैंने परियोजनाओं को भी बुलाया, नाबार्ड को भी बुलाया, भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी बुलाया। हमने कहा देखो इंतजार का समय नहीं, हम यहाँ कार्य करने के लिए आए हैं, मुझे दिसंबर 19 तक इन परियोजनाओं को पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है। और भारत सरकार ने अपना शेयर दिया, मैंने प्रदेश से अपना शेयर दिया, बाकी नाबार्ड से हमने लोन की व्यवस्था की और 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हम दिसंबर 19 तक प्रदेश के किसानों को देने जा रहे हैं इन योजनाओं के माध्यम से। यानी इन योजनाओं को जो किसानों के सरयू नहर परियोजना में बहराइच से लेकर के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये सभी जनपद आच्छादित होंगे। गोरखपुर का पूरा दक्षिणांचल इस योजना से सिंचाई की योजना का लाभ पाएगा। आप जान सकते हैं राप्ती का लेवल इतना नीचे है कि सिंचाई की योजना आप उसके माध्यम से नहीं दे सकते दक्षिणांचल के क्षेत्रों में। लेकिन सरयू नहर परियोजना को जहां हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर होते हुए जब वो गोरखपुर में प्रवेश कर रही है, तो उस योजना से इतनी बड़ी मात्रा में किसान 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता इन तीन परियोजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्नदाता किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का आधार। और यही नहीं, यह कार्य किस रूप में हम लोगों ने, यानी इन कार्यक्रमों को तो युद्ध स्तर पर लाने का प्रयास हुआ है, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का भी कार्य, बहुत बड़ी मात्रा में किसान को आधुनिक तकनीक दी जा सके, किसान को समय पे बीज उपलब्ध हो सके, किसान को समय पे खाद उपलब्ध हो सके, इसकी भी व्यवस्था। 26 वर्षों से गोरखपुर का खाद कारखाना बंद पड़ा था, हर व्यक्ति कहता था नहीं चल पाएगा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी आशा नहीं छोड़ी थी और हम लोग कहते थे हम लोग प्रयास करेंगे, चलाएंगे, जरूर चलाएंगे। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना का निर्माण कार्य 60% हो चुका है और हम लोग 2020 में इस खाद कारखानों को चलाएंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर बिहार के किसानों को प्रदेश के अंदर ऐसी अनेक योजनाएं जो लंबित पड़ी हुई थी, किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, घर में नहीं बिजली मिलती थी, आज तो हम ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को 18-18 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में, आखिर यही तो प्रदेश है। क्या हो गया था सपा बसपा के समय में बिजली को, आज तो हम दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने चोरी रोकी है। इनके लोगों के घरों में जो बिजली चोरी होती थी उसको भी हमने सख्ती के साथ रोका है और बिजली हम पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे लगता है ये न केवल किसान के लिए बल्कि आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन का ये भी एक आधार बना है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दोनों क्षेत्रों में भी व्यापक कार्य करने का प्रयास किया। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजादी के पहले से लेकर के 2016 तक कुल 13 मेडिकल कॉलेज खुले थे। गवर्नमेंट राज्य सरकार के स्तर पर केवल 13 मेडिकल कॉलेज खुले थे और 2016 के बाद भारत सरकार के सहयोग से और हम लोगों के आने के बाद से हम लोगों ने जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, विगत 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर आज 15 नए मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2 एम्स बन रहे हैं, गोरखपुर और रायबरेली की एम्स की ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है, बीएचयू एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान वहां बन रहा है और एक कैंसर संस्थान वाराणसी में बनकर के लोकार्पित हो चुका है। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेज बने थे, इन पुराने मेडिकल कॉलेजेस में 6 मेडिकल कॉलेजेस में 8-8 नई सुपर स्पेशलिटी का कार्य भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें गोरखपुर का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने अभी 24 फरवरी को किया है। प्रयागराज का लोकार्पण हम लोगों ने कुंभ के पहले ही कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर झांसी, मेरठ, कानपुर, आगरा,
यहाँ पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह केवल एक झलक थी कि आजादी के बाद 67-68 वर्षों तक इस प्रदेश में जितना कार्य हुआ उतना कार्य विगत 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने का कार्य हुआ है। प्रदेश देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना जिसमें हर गरीब को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा निशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था आयुष्मान भारत दे रही है। पूरे देश के अंदर इस योजना से 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग इस योजना से आयुष्मान भारत से लाभान्वित होने जा रहे हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं 56 लाख लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे जिनकी सामान्य परिस्थिति गरीब से बहुत कमजोर थी लेकिन उनका नाम सूची में नहीं था, हमने प्रदेश सरकार की तरफ से भी उनके लिए योजना चला करके उन सभी परिवारों को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर हम देने जा रहे हैं। यानी यह एक गरीब के लिए न केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य का एक आधार बनने जा रहा है। आप अनुमान करिए किसी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, मध्यम और निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, 15,000 महीने कमा बमुश्किल कमा पाता है और परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाए, कोई ऑपरेशन करना हो, 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख का ज्यादा एस्टिमेट आ गया हो, दवा का खर्चा ना हो, उस परिवार के सामने क्या संकट आता है? या वो परिवार अपने परिवार अपने घर की महिलाओं के जेवर को गिरवी रखता था या बेचता था या खेत को गिरवी रख करके उपचार कराता था और वह व्यक्ति जीवित रहता था नहीं रहता था इससे अलग, लेकिन परिवार कंगाल जरूर हो जाता था। आज स्थिति क्या है? आज प्रदेश के अंदर हर उस गरीब परिवार को 5 लाख रुपए सालाना हम स्वास्थ्य की गारंटी देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य के उपचार की व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयुष्मान भारत के अंदर व्यवस्था की है, छोटे हुए परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से सुविधा देने जा रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो जाती थी, अनुमान करिए डायलिसिस पे अगर वो व्यक्ति चला गया, डायलिसिस पे जाने पर क्या बीती थी उसके पास, महीने में 25,000-30,000 रुपए का खर्चा कहां से परिवार उठाएगा? कितना भी बड़ा पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो लेकिन जब खर्चा बढ़ता जाता था, डायलिसिस बढ़ती जाती थी, उसके साथ उसका खर्चा भी बढ़ता था, दवा अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। अपने प्रदेश के अंदर आज 21 जनपदों में 10-10 बेड का डायलिसिस की फ्री की व्यवस्था की है। अभी गोरखपुर का अभी विगत दिनों मैंने इसका उद्घाटन किया है। प्रदेश के 21 जनपदों में व्यवस्था की है, शेष अन्य जनपदों में भी हम लोग इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी गरीब को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो जाए, आखिर उसका इतना खर्चा बचेगा, दूसरा परिवार को एक गारंटी मिलेगी, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज, इधर डायलिसिस की फ्री की सुविधा, इधर चिकित्सालयों में आपने देखा होगा पहले की तुलना में दवा बढ़ी है, पहले दवा महंगे दाम पर तो एसडीएम तक की भर्ती में पैसे लिए जाते थे, वो एसडीएम क्या करेगा जो पैसा दे करके नौकरी पाया होगा, वो पुलिस उपाधीक्षक क्या करेगा जो पैसा दे करके नौकरी पाया होगा, क्या उम्मीद करते हैं, क्या ये होता नहीं था, क्या इस प्रदेश की हर संस्था क्या कंधे में खड़ी नहीं हो पाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, ये सब के सब कटघरे में खड़े थे। कारण था सरकार की बदली थी, प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना ये इनकी नियति बन चुकी थी और उस बदनियति के कारण प्रदेश का जो प्रसन्न बन चुका था कि प्रदेश दंगे होंगे, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, आज कोई दंगा हो रहा है क्या, आज कोई दंगा कर पाएगा उत्तर प्रदेश में, नहीं कर सकता। इन 23 महीनों में हमारा 24 महीने का कार्यकाल इसी महीने 19 को पूरा हो जाएगा, 18 मार्च को पूरा हो जाएगा,
महीनों के इस कार्यकाल के दौरान एक भी दंगा नहीं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, गंदगी मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडागिर्दी से मुक्त उत्तर प्रदेश। क्योंकि प्रशासन कर सकता है लेकिन लीडरशिप चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। और व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विगत 13-23 महीनों के दौरान देने का प्रयास किया, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश का प्रसेप्शन बदल करके हम लोगों ने रूप में दिया। प्रदेश के अंदर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, लेकिन आज हमने सुविधा प्रदेश के अंदर प्रदान की है, हम इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने बहुत सारे जनपदों में टेली मेडिसिन की सुविधा भी प्रदान की है। मुझे याद है मैं भारत सरकार ने, नीति आयोग ने देश के अंदर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए थे, जो मानव विकास के सूचकांक में जिनका बहुत पीछे स्थान था, उत्तर प्रदेश के भी उसमें 8 जनपद थे। मैंने उन सभी जनपदों का दौरा करके उनके अधिकारियों के साथ बैठक करके हमने कहा एक कार्य योजना बनाओ कि स्वास्थ्य पोषण में, शिक्षा में, कृषि विकास में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और स्किल डेवलपमेंट या जो भी अन्य क्षेत्र हैं, इन सब में हम लोग इन्हें आगे बढ़ा सके। मैं जाता था, एक जनपद है श्रावस्ती, मैं जब भी वहां दौरा किया तो पता लगा डॉक्टर नहीं है। हम नियुक्त करते थे डॉक्टर, आज ज्वाइन करता था फिर अगले दिन, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, लोग परेशान थे सभी लोग। मैंने वहां जिलाधिकारी को बताया, एक अच्छा युवा जिलाधिकारी वहां गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तकनीक का उपयोग करके लोगों, और हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की व्यवस्था वहां पे दी। जिस जिला चिकित्सालय में 36 डॉक्टर होने थे, हमने कहा कोई आवश्यकता नहीं 36 डॉक्टर की, अच्छे दक्ष टेक्नीशियन स्थानीय लोगों को, नौजवानों को करो, 5 डॉक्टर हमारा सारा काम करेंगे और सीधे SCPGI के साथ इसको जोड़ो। आज टेलीमेडिसिन से हम श्रावस्ती जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और हमने टेलीमेडिसिन के माध्यम से वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का जो लक्ष्य रखा, अन्य जनपदों में भी हम इस कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर अन्य कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में, अब तक होता क्या, गाँव का व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में आता था, हॉस्पिटल में आता था, सरकारी डॉक्टर नहीं तो प्राइवेट में जाता था। हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, यह हमने 53 जनपदों में हम इसको लागू कर चुके हैं, जिसमें हर जो मोबाइल मेडिकल यूनिट होगी उसमें एक डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग का स्टाफ और पूरे वेल इक्विप्ड होगी, उसमें वहां उसकी जांच भी हो सकती है, डिजिटल एक्सरे भी होगा, पैथ लैब भी उसमें होगी। और वहां पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अब यह हमारी मोबाइल यूनिट गांव में जाकर के मरीजों को देखेगी और लोगों को वहीं पर उनका रिजल्ट देगी, और आवश्यक उपचार करना तो शहर में फिर उनको लेकर के भी आएगी। हम लोग 53 जनपदों में इसको लॉन्च कर चुके हैं, शेष अन्य जनपदों में भी हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। आप गोरखपुर वासी हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 1978 से लेकर के 2017 तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त माह का आंकड़ा देखिए, इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों की क्या संख्या, अगस्त महीने में 500 से 700 पेशेंट भर्ती होते थे, 125 से 150 मौतें होती थी, इससे ज्यादा शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता के शिकार होते थे। जो सामूहिक प्रयास हुआ आज उसका परिणाम है कि 2018 में अगस्त महीने में 500 से 700 नहीं, केवल 86 मरीज भर्ती हुए। मौत के आंकड़े 125 से 150 नहीं, कुल 6 बच्चों की मौत हुई है। और मुझे लगता है इससे बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। जब सामूहिक टीम वर्क काम करके तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, उसका एक उदाहरण बीआरडी मेडिकल कॉलेज का। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में जो अमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है, आप देख रहे होंगे
जब इलेक्शन की घोषणा होगी और इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही होगी तब प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की और उच्च शिक्षा की विश्वविद्यालयों की शिक्षा उनके परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी होंगी। नौजवान को लोकतंत्र के इस अवसर पर इस आयोजन में भरपूर अवसर मिलेगा भागीदार बनने का। हम लोगों ने अपनी कार्य योजना जुलाई 2018 में ही तैयार कर दी और आज उसका परिणाम है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अधिकतर बहुत होंगी 4-5 अप्रैल के अंदर संपन्न हो चुकी होंगी। माध्यमिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं हमारी संपन्न हो चुकी है। नकल विहीन परीक्षा हो, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति चला पड़ी थी, ठेका पद्धति चल पड़ा था और मुझे देखकर क्या आश्चर्य हुआ जब विगत वर्ष हम लोगों ने नकल पर रोक लगाई 15 लाख बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी थी। मुझे एक बार थोड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा 15 लाख बच्चे कौन थे? आप आश्चर्य करेंगे 15 लाख में 95% बच्चे कौन थे? कोई नेपाल का था, कोई राजस्थान का था, कोई पंजाब का था, कोई जम्मू कश्मीर का था, कोई मध्य प्रदेश का था, अन्य प्रदेशों का था यहाँ पे। फिर मैंने कहा इसकी और गहराई में जाओ तो पता लगा कि इनमें ये लोग केवल फॉर्म भरने के लिए आते थे, परीक्षा देने के लिए भी नहीं आते थे। प्रॉक्सी सिस्टम था, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा भी देता था। हम लोगों ने सख्ती के साथ इसको रोका है और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में जो हमारी आज की पीढ़ी जाएगी बोर्ड की परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए जहां भी जाएगी फिर दावे के साथ कह सकती है कि मैंने हमने उस माहौल में परीक्षा पास की है जब प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं होती। उसके सामने एक उत्साह होगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा होगी और यह कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ है। इसको और तेजी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाठ्यक्रम को भी हम लोगों ने लागू किया। हमने कहा भी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं ये पाठ्यक्रम में भी बदलाव थोड़ा करिए समय के साथ। हमारी प्रतिस्पर्धा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है और इसे एनसीईआरटी की तर्ज पर आप भी अपना पाठ्यक्रम तैयार करिए और हमने इसको लागू कर दिया है। पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ लागू किए हैं, लेकिन साथ साथ एक तरफ छुट्टियां हमने समाप्त की हैं, दूसरी तरफ सभी महापुरुषों को हम लोगों ने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है और उन महापुरुषों के बारे में लोग विद्यालयों में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया है। आज बेसिक शिक्षा में कायाकल्प योजना के अंतर्गत 158,000 विद्यालय हैं हमारे पास प्रदेश के अंदर और 198,000 विद्यालयों में 91,000 विद्यालयों को कायाकल्प योजना के अंतर्गत हम लोगों ने वहां पर बुनियादी सुविधाओं में ढेर सारा परिवर्तन किया है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र में कभी जाएंगे तो बहुत सारे विद्यालय आपको एक नए प्रवेश के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसमें हर व्यक्ति प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है और आज यही परिणाम है। जब हम लोग आए थे 1,33,00,000 बच्चे प्रदेश के बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ते थे, आज के दिन पर 1,77,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। वहां पे बहुत सारी जगह स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ हो गई, बहुत सारी जगह पाठ्यक्रम बदल गए हैं, नए प्रवेश के साथ उनको नई यूनिफॉर्म दी। हम 1,77,00,000 बच्चों को 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, शूज और सॉक्स भी दे रहे हैं और सर्दियों में स्वेटर भी उनको देने का कार्य किया जा रहा है। जब स्वेटर देने का निर्णय मैंने लिया, मैंने कहा कि गरीब बच्चों को पहले जूता देने की बात थी। मैं देखता था बहुत सारे बच्चे जो बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जाते छोटे मासूम बच्चे नंगे पैर जाते, वो मासूम बच्चा नंगा पैर विद्यालय जा रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा इन बच्चों को जूता देना चाहिए, जूता मोजा इनके पैरों पे रहना चाहिए। निर्णय लिया तो बहुत सारी कंपनियां ये समझती थी कि हम प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता पड़ेगी 1,00,000-2,00,000 जोड़े जूते दे देंगे काम चलेगा, लेकिन उन्होंने पहले तो हाँ भी कर दी, लेकिन जब कहा गया कि 1,77,00,000 बच्चों को देना है तो एक बार नहीं हमारा टेंडर और जेब पोर्टल जो गवर्नमेंट ही मार्केट का पोर्टल है वही फेल हो गया, कई बार फेल हो गया और फिर अलग अलग जनपदों में अलग अलग योजना बना करके उतने बच्चों को फिर स्वेटर के साथ भी यही हुआ।
पंजाब लुधियाना आदि से जुड़े बहुत सारे ऐसी फर्म थे जिन्होंने पहले कहा कि हम देंगे, हमने कहा ई टेंडरिंग होगी आपको कहेंगे। लेकिन जब ये बढ़ी तो लोगों को पता लगा कि 1,77,00,000 बच्चों को स्वेटर देना है, लोग परेशान थे, हमारे अधिकारी परेशान थे कि इतने बच्चों को कैसे कोई दे पाएगा। हमने कहा देना तो है, एक गरीब का बच्चा भी स्वेटर पहन ले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक गरीब का बच्चा भी अपने पैरों पर जूता मोजा पहन ले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बहुत सारे बच्चों के साथ हमारे सामने प्रारंभिक रूप से समस्या है, वे बच्चे जब एक बार सुबह जूता पहन लेते थे तो सोते भी उसी जूते में थे और वो फट गए, बहुत सारी जगह फट गए, तो कंपनी के साथ हमारी गारंटी थी कि भाई जूते अगर समय पे फटेंगे, एक साल से पहले फटेंगे, तुम्हें दूसरा देना पड़ेगा। तो कंपनी परेशान थी, देखे साहब जो है उसमें तो ठोकर आगे से लगा है, उसका सोल नहीं फटा है, बीच से नहीं फटा, तो उसी में फुटबॉल खेलते हैं, उसी में पत्थर से ठोकर मारते हैं, उसी में सारी चीजें कर रहे हैं, उसी में बच्चा सो उसी जूता को पहन के सो रहा है। हमने कहा बच्चा है कोई दिक्कत नहीं, आप जितने फट चुके हैं उनको नया जूता दीजिए। 35,00,000 बच्चों को हम लोगों ने नया जूता भी कराया प्रदेश के अंदर, और आज वो शिकायत समाप्त हो गई। तो मीडिया कैमरा लेकर के जाती थी, उस बच्चे का जूता फट गया है उसको हम दिखाएंगे, तो हमने कहा हमारी गारंटी के अंदर है, परेशानी आपको क्यों, परेशान तो कंपनी वाला होगा जिसको बेचारे को जूता भरना पड़ेगा। और हम लोगों ने गारंटी बहुत आसानी के साथ 35,00,000 उन बच्चों को नया जूता उपलब्ध कराया, और ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चल रही है, आगे भी चलेगी। अगर मैं अन्य क्षेत्रों में आऊं, सामाजिक समरसता के बारे में आपने कहा, गोरखस्पीड के योगदान के बारे में, मुझे लगता है कि गोरखस्पीड सामाजिक समरसता का प्रतीक आदिकाल से है। मुझे लगता है, और मुझे कभी कभी घोषणा भी करें, हमारे पास वास्तव में योग्य की बहुत कमी पड़ रही है, अच्छे साधु हमारे पास देश के अंदर बहुत कम मिल पाते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ साधु बनने के लिए कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब का बंधन नहीं है, कोई भी आ सकता है, वहां के नैतिक मूल्यों का पालन करके आगे बढ़ सकता है, एक प्रकार से बैठ कर भोजन पाइए। और मुझे लगता है कि महावीर भगवान गोरक्षनाथ जी की साधना का अनुसरण करते हुए लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करिए। गोरक्षपीठ उन स्थानों पर है, हम जिस विश्वविद्यालय में आज यहाँ बैठे हैं, याद करिए आजादी के तत्काल बाद गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई थी। उस समय गोरखपुर में दो संस्थाएं महाविद्यालय चलाती थी, एक गोरखस्पीड के द्वारा महाराणा प्रताप कॉलेज संचालित होता था, और चर्च के द्वारा सेंट एंड्रयूज कॉलेज संचालित होता था। आजादी के बाद दोनों ने मिलकर के पहल की, गोरखपुर के सम्भ्रांत नागरिकों ने मिलकर के इस पहल के साथ सहयोग किया, और इस पहल को आगे बढ़ाने में जो सबसे अच्छा योगदान उस समय इस पहल को आगे बढ़ाने में उस समय के यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता थे श्री बब्बर मिश्र जी, एडवोकेट बब्बर मिश्र, गोरखस्पीड के अभिन्न सेवक थे, और बहुत मेरे दादा गुरु रमणीय महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के सहपाठी भी थे। तो उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया और मंदिर में बैठकर योजना रचना हुई कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय बने। प्रारंभ में चर्च और मंदिर दोनों ने सहमति दी कि ठीक है हम लोग साथ चलते हैं। प्रदेश में गए, पंत जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पंत जी के पास गए, पंत जी ने कहा कि देखिए देश अभी आजाद हुआ है, देश के पास पैसा नहीं है, और पैसा न होने के नाते हम लोग विश्वविद्यालय नहीं खोल पाएंगे। विश्वविद्यालय के लिए 1947-48 में जो बात चली कि 50,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी, 50,00,000 रुपए की आवश्यकता होगी, 50,00,000 रुपए जिस क्षेत्र के लोग दान प्रदेश सरकार को कर सकेंगे या उतनी की प्रॉपर्टी जुटा पाएंगे वहां विश्वविद्यालय खोलेंगे। वैल्यूएशन हुआ, और वैल्यूएशन होने पर महाराणा प्रताप कॉलेज और सेंट एंड्रयूज कॉलेज की संयुक्त तो प्रॉपर्टी मिलाकर के 50,00,000 हो गई। ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही संविधान देश का लागू हुआ, मैनिटीज इंस्टीट्यूशंस के लिए विशेष प्रावधान हो गए, चर्च मुकर गया, उन्होंने कहा हम सेंट एंड्रयूज कॉलेज नहीं देंगे, लेकिन मंदिर ने कहा हम महाराणा प्रताप कॉलेज देंगे, और अगर
में नया कॉलेज फिर स्थापित करेंगे। विश्वविद्यालय स्थापना हो गोरखपुर में, इसके लिए महाप्रताप महिला कॉलेज फिर स्थापित किया गया। मंदिर के पास पूंजी कभी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सोर्स से, अपने माध्यम से लोगों के पास जाकर के महाप्रताप महिला कॉलेज स्थापित किया। फिर 1956 में जब 50 लाख की प्रॉपर्टी फिर एकत्र हो पाई, तो उसी शर्त के आधार पर फिर प्रदेश में गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की आधारशिला। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति गोरखपीठ की प्रतिबद्धता नहीं होती, सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं होती, लोक कल्याण के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता, गोरखपीठ आज के दिन पर लगभग 50 के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के प्रकल्पों का संचालन अकेले एक पीठ से नहीं कर रहा होगा। केवल गोरखपुर से इतनी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, नीचे ने अमेठी में रखा है, 7.5 लाख राइफलें बनेंगी वहां पर, कितने नौजवानों को कार्य मिलेगा। और साथ साथ अब हमारा जवान कह सकता है कि मैं जिस राइफल को लेके चल रहा हूँ और मेड इन रशिया नहीं, मेड इन अमेरिका या मेड इन कोई दूसरा देश नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया होगा। और मेड इन इंडिया के इस अभियान को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य बना है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने की कार्रवाई की है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज के साथ जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी हम देने जा रहे हैं। हम लोग जब आए थे सत्ता में केवल 2 एयरपोर्ट हमारे संचालित थे, आज के दिन पर हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पूरी 6 एयरपोर्ट हमारे वर्तमान में चल रहे हैं और नए एयरपोर्ट 9 ऐसे अन्य जगहों पर एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है, जहां पर हम उड़ान योजना के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यकता है निवेश के लिए या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और प्रदेश का प्रसेप्शन कैसे बदलता है, 2 कार्यक्रम उसके बहुत बड़े उदाहरण है। एक 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में आयोजित हुआ प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम, और 15वां प्रवासी भारतीय दिवस में जो 14 अब तक हुए हैं, अब देश की राजधानी में हुए थे या किसी राज्य की राजधानी में हुए थे। हम लोगों ने देश की राजधानी में नहीं कराया, प्रदेश की राजधानी में नहीं कराया, इन दोनों से अलग हट करके हम लोगों ने देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में आयोजन को संपन्न किया और अब तक का सबसे सफलतम आयोजन है। अन्य आयोजनों में 300-400 डेलीगेट्स आते थे, इसमें 7000 से अधिक डेलीगेट्स इस आयोजन में भागीदार बने थे और हर एक व्यक्ति ने इस कार्य को देखा। आश्चर्य होता है जब मुझे उन बाहर से आने वाले प्रवासी भारतीयों से, भारत मंत्रियों के साथ जब बातचीत हुई और उनसे जब बातचीत करते हुए मैंने उनसे बात की कि आखिर यह क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि लोग आते नहीं भारत में, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही, उन्होंने कहा देखिए साहब, हमें हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले हम लोग जा चुके हैं, हमारे जो पूर्वज भारत से गए थे उनको बहुत जान, उनको इस धरती पे भी नहीं है। हमारी वर्तमान जो जिन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग रह रहे हैं वे सब वेस्टर्न कल्चर में इतने बन चुके हैं कि उनको भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बहुत जानकारी है भी नहीं, वे आना भी नहीं चाहते। दूसरा उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज भी जाना चाहते हैं। प्रयागराज का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है, परसेप्शन को सरकार कैसे चेंज कर सकती है। मुझे याद है 2013 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज के कुंभ में स्नान करने के लिए आए थे, महाकुंभ का आयोजन था, वे बड़े श्रद्धा भाव के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने गंदगी देखी, कीचड़ देखा और दुर्व्यवस्था देखी और वे दूर से ही प्रणाम करके चले गए। कहा कि यही इलाहाबाद है क्या, यही संगम है क्या, यही गंगा है, और कहकर के दूर से प्रणाम करके वे चले गए, स्नान नहीं किए। जब इस बार प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को रहना था, हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इस कार्यक्रम के बाद जब प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज कुंभ में स्नान करें, क्योंकि उस समय 2013 में उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके मन में भी स्मृतियां थी, तो उन्होंने पहले हां नहीं किया, वे सहमत नहीं थे।
क्योंकि उनके पास तो मैसेज था कि प्रयागराज बहुत गंदी जगह है, संगम बहुत गंदी जगह है, वहां पर बहुत गंदगी है, कौन स्नान करेगा। लेकिन जब प्रवासी भारतीय दिवस के बाद उनका 400 लोगों का मॉरिशस का डेलीगेशन प्रयागराज गया, वहां की व्यवस्था को उन्होंने देखा, तो प्रधानमंत्री भी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उनको अपने परिवार के साथ और 400 प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि उनके साथ आए थे सबने संगम में डुबकी लगाई और बड़े एहसास होता है कि हमारे पूर्वज इस भारत की पुण्य भूमि से गए। कहते हैं कि दुनिया के अंदर हम कभी किसी मिशन के यहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं क्या उस भारत के हो आप जहाँ प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं। कहा मोदी एक ब्रांड बन चुका है, मोदी एक ब्रांड बन चुका है दुनिया के अंदर और हर एक भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। हर अप्रवासी भारतीय इस बात को कहता था और प्रयागराज कुंभ, आज प्रयागराज कुंभ का 48 दिनों का कार्यक्रम अंतिम स्नान भी आज कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया है और 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज वहां पर संगम में स्नान किया। अगर मैं कुल आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये आंकड़े लगभग 25 करोड़ तक पहुंच गए। 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच 25 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में संगम तट पर पवित्र गंगा जी में स्नान किए हैं। दुनिया के अंदर 25 करोड़, जब उससे पूछा गया कि कुंभ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ का मैसेज क्या होगा, मैंने कहा आपका स्वच्छ भारत मिशन। कहा कैसे? हमने कहा जिसको हम करेंगे। आपने देखा होगा आप लोगों को अगर कुंभ में जाने का अवसर प्राप्त होगा, कहीं गंदगी नहीं देखे होंगे, कहीं फूल नहीं देखे होंगे, कहीं मच्छर नहीं देखे होंगे, कहीं मक्खी नहीं देखे होंगे, कहीं बदबू नहीं देखे होंगे। और आजादी के बाद गंगा जी में जितना जल होना चाहिए था, जितनी अग्रल और जितनी निर्मल होनी चाहिए थी, वह आपको प्रयागराज में संगम के तट पर देखने को मिली। नमामि गंगे परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, उसका परिणाम था और उत्तर प्रदेश सरकार का बेहतर समन्वय का परिणाम था जब गंगा जी ने प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध करा पाए। पूरे आयोजन के दौरान कराने में हम लोग सफल हुए। दूसरा, इससे पहले कुंभ का मतलब क्या होता था? कुंभ का मतलब सरकार और उसके कुछ मंत्रियों के लिए रूप सोल का इकट्ठा। हमने कहा ये सब नहीं चलेगा, मैं हर सप्ताह अपना कार्यक्रम स्वयं लगाता था, पब्लिक को परेशानी ना हो इसलिए मैं रात्रि को वहां की सड़कों पर स्वयं घूमता था, अधिकारियों को घुमाता था, सर्दी हो बरसात हो गर्मी हो रात्रि को हम लोग घूमते थे, देखते थे, कमी दिखती थी वहीं पर जवाबदेही तय कर देते थे। हमने कहा हमें तो 1 साल से कम समय मिला है कुंभ के आयोजन के, और अगर मैं लापरवाही बरतूंगा या लोगों को कोई जवाबदेही तय नहीं करूंगा तो हम कुंभ का जो संदेश देना चाहते नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने वहीं पर तय किया। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रयागराज सिटी की पूरी तस्वीर हमने बदली है, वहां पर 10 फ्लाईओवर बनाए हैं, 6 अंडरपास बनाए हैं, 264 सड़कों का चौड़ीकरण किया है, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, और व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण इस हद तक वहां पर हटा कि एक समय ऐसी भी स्थिति पैदा हुई थी कि हमारे सारे वहां के मंत्री, सारे जनप्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी कितने नाराज थे कि मैं वहां गया और लोग मिलने तक नहीं आए। सबने कहा कि प्रयागराज को उजाड़ डाला है। हमने कहा कि उजड़ने के बाद ही कोई बसता है, और मैंने कहा तो प्रयागराज में मैंने उस दिन घोषणा की थी, मैंने कहा जिनका गलत उजाड़ा गया है मुझे बताएंगे, मैं उनको दुगना मुआवजा दूंगा, अगर किसी को 2 लाख का नुकसान हुआ होगा तो उसको 4 लाख देंगे और जिसको 2 करोड़ का नुकसान हुआ होगा उसको 4 करोड़ देंगे। पैसा कहां से लाएंगे मैं तय करूंगा, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केवल 3 लोग मेरे पास आए थे और 3 लोगों ने कहा कि हमारे 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, अपने सामने दोनों तीनों को 5-5 लाख रुपए मैं अपने सामने दिलाए। मैंने कहा मेरी घोषणा है उसके अनुसार कार्य करूंगा और हम लोगों ने उसको लागू किया। आज प्रयागराज के अंदर आप जाइए,
वहां की चमकती हुई सड़कों को देखे, वहां की चमकते हुए पार्कों को देखे, भारद्वाज आश्रम और पार्क की नई तस्वीर और भारद्वाज ऋषि की भव्य प्रतिमा वहां पर देखे, कभी नहीं प्रयागराज के साथ भारद्वाज ऋषि का महत्व। अक्षयवट 450 वर्षों से किले के अंदर कैद था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्री और आर्मी के चीफ को कहा कि आप लोग चाहिए बैठक करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और आर्मी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हम लोग खोलेंगे लेकिन वहां पे आने जाने के लिए रास्ता कौन बनाएगा। हमने कहा उसके लिए हम लोग, और एक समय सीमा के अंदर हम लोगों ने पर्यटन विभाग ने वहां का रास्ता बनाया। प्रतिदिन 1,00,000 श्रद्धालु अक्षय वट का दर्शन करने के लिए जा रहा है। सरस्वती कुंड का दर्शन, प्रयागराज के सासा बेला के क्षेत्रफल को बढ़ाना, और पहला कुंभ है याद करना, ये कुंभ का शुभारंभ हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से गंगा माता की पूजा से शुरू किया था। और कुंभ के दौरान आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी भी आए, उपराष्ट्रपति जी भी आए, प्रधानमंत्री जी भी कुंभ में 2 बार आए, एक पूजा करने के लिए और दूसरा 24 फरवरी को गोरखपुर से जब गए तो उन्होंने संगम में स्नान भी किया। पहली बार हुआ है देश का कोई प्रधानमंत्री इस देश के सफाई कर्मियों का पाद प्रक्षालन का कार्य करे। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण देश और दुनिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता, इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज में किया है। लेकिन हम करने में सफल हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पग पग पर उनका मार्गदर्शन था, हमने उसको इंप्लीमेंट किया, फोर्स नहीं किया, और आज उसका परिणाम है कि प्रयागराज कुंभ में जब लोग हमसे पूछते थे कितने लोग आएंगे, लोग कहते हैं कोई 10 करोड़, कोई कहता था 12 करोड़, मेरे मुंह से निकला था 15 करोड़, लेकिन मुझे प्रसन्नता है 25 करोड़ श्रद्धालु आए, और 25 करोड़ दुनिया के अंदर 4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ होती है, भारत को ले लेके तो 5 देश ऐसे हैं, यानी दुनिया के अगर आप देखेंगे यूएनओ से जुड़े हुए जो सदस्य देश हैं 193 देश हैं, 193 में से 5 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी देश की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे प्रयागराज कुंभ में लोग। उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर आज दुनिया के अंदर आप देखेंगे, लोग बोलते थे 17 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन का स्थान कहाँ है, तो मैं कहता था भाई राम यहाँ पैदा हुए, कृष्ण यहाँ पैदा हुए, भगवान विश्वनाथ का यहाँ पर है, सब को गोरख यहाँ पर है, कबीर यहाँ पर है, सब कुछ तो यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश आगे होगा, लेकिन हम लोग थे 17वें नंबर पर। और बंधुओं मैं आज कह सकता हूँ प्रयागराज कुंभ का समारोह हुआ है, कल इसकी विधि और घोषणा मैं स्वयं वहां जाके करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ आज उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 पर खड़े। हमने हर क्षेत्र में कुछ किया है कि पर्यटन हमारे लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा मात्र नहीं है, पर्यटन पर्यटकों के आने का जमावड़ा मात्र नहीं है, यह हमारे लिए अपने नौजवानों के लिए रोजगार का भी साधन है। उन्होंने कहा 1,000 टन, मैंने कहा इस बार, उन्होंने कहा 4,000 टन, अनुमान कर सकते हैं। एक केवल एक व्यापारी से उद्योगपति से मैंने बात, पिछले साल पिछले 2013 में 1,000 टन और इस कुंभ में 4,000 टन आटे की बिक्री हुई एक उद्योगपति। क्या इस प्रकार का पर्यटन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन नहीं लाता है? नौजवानों के आप चाहिए, अभी 8 मार्च को हम लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के पूरे क्षेत्र को विकसित करने की एक योजना का शुभारंभ कराने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में महात्मा गांधी जी ने 1916 में जब BHU के उद्घाटन में आए थे, उस समय के वायसराय ने BHU का उद्घाटन किया था और उसमें महात्मा गांधी जी भी आए थे, उनको भी आमंत्रित किया गया। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में गए तो उनका एक फोटो मुझे मिला जिसमें गांधी जी हिंदुओं को कोसते हैं कि कितनी गंदगी मंदिरों में रखते हैं, कितनी गंदगी, वही प्रसाद है, वही मक्खी है, वही कितनी बदबू है,
और फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान यहाँ विराजते हैं। इतनी संकरी गली है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की गली, जब प्रधानमंत्री मोदी जी काशी के सांसद बने, तब वो गली की चौड़ाई केवल 5 मीटर की भी नहीं। और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए आपको 50 मीटर चौड़ा रास्ता मिलेगा। 50 मीटर चौड़ा हम दे चुके हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे गंगा जी तक जाने के लिए पूरा एक कॉरिडोर का विकास हो रहा है। यह एक बदलती हुई तस्वीर है जो बता सकता है। अयोध्या में लोग नहीं जाते थे, यानी जिस दीपावली ने हमारे घरों में एक पर्व पर दीप जलाना प्रारंभ किया, जिस अयोध्या से, उस अयोध्या में दीपावली नहीं मनाई जाती। पहली दीपावली के अवसर पर जब हमारे अधिकारियों ने मुझसे बताया कि दीपावली का आयोजन, दीपावली में अधिकारीगण मिलना चाहते हैं, मैंने कहा मैं तो बटांग्या गांव में रहता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक बात आई। मैंने अपने पर्यटन के अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा अयोध्या में दीपावली कैसे होती है, अगर आप एक बार जाकर के देख लेते हैं और क्या इसकी कार्य योजना बन सकती है। वहां तो कुछ नहीं, सामान्य रूप से लोग कोई लोगों में इसके का उत्साह नहीं। मैंने कहा वहां के लोग अगर हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे तो क्या उसमें आएंगे? ये लोग फिर गए, इन्होंने बातचीत की, लोगों ने कहा हाँ अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो हम लोग क्यों नहीं भाग कर। मैंने कहा शर्त ये होगी कि मंच में भाषण केवल मैं करूंगा, कोई अन्य साधु संत या अन्य लोग नहीं भाषण करेंगे, क्योंकि फिर वो विषयांतर कर रहे थे। तो सब लोग मान ली, हमने प्लानिंग की, हमने कहा कि योजना बनाइए, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और दीपावली का उत्सव यादगार बनेगा। आपने देखा होगा उसके तत्काल बाद यादगार फल बने थे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, इतने फोन उस दिन रात्रि में मैं अयोध्या में ही था, इतने फोन मेरे पास रात्रि भर आते रहे, लोगों के फोन आते रहे देश से दुनिया से, और मैंने लोगों की आंखों से आंसू बहते हुए देखा कि अयोध्या की पहचान को, अयोध्या को दिलाने के लिए कितना भावनात्मक लगाव अयोध्या के साथ लोगों का। और मैंने उस दिन राम के महत्व को इस रूप में देखा कि वास्तव में राम के प्रति हमारे मुंह से बर्बस बात निकलती है, सुख में हे राम शब्द जो निकलता है अचानक नहीं निकलता है। अयोध्या की दीपावली तत्काल बाद साउथ कोरिया आ गया। साउथ कोरिया ने कहा कि हम आपके साथ एक एमओयू करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारी राजकुमारी 2000 वर्ष पहले अयोध्या से ही गई थी और वहां का जो वर्तमान का शासक है यह उसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, और उन लोगों ने अपना स्मारक बनाया। और इस बार की दूसरी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने अयोध्या में किया, आपने देखा होगा कोरिया की फर्स्ट लेडी स्वयं उस कार्यक्रम में अपने पूरे डेलीगेशन के साथ आकर के भागीदार थी, अभिभूत थे लोग। उन्होंने कहा साहब हमें इतना एहसास ही नहीं था कि भारत के लोग इतना प्यार देंगे अयोध्या के लोग, ये तो वास्तव में हमारा ननिहाल है और इस ननिहाल में हमें सम्मान मिलाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा हमें इतना सम्मान मिलेगा हम ये सोचते नहीं थे। मैंने कहा ननिहाल में तो हमेशा सम्मान मिलता ही मिलता है, और कितना खुश होकर के गए। अभी प्रधानमंत्री जी को सियोल पीस प्राइज मिला, प्रधानमंत्री जी ने 1,40,00,000 रुपए को पीस प्राइज कौन मिला था, उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के लिए दान कर दिया। प्रधानमंत्री जी को जितने भी उपहार मिले थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, लगभग 12 करोड़ रुपए में वे सभी उपहार निलाम हुए और 12 करोड़ की राशि उन्होंने नमामि गंगे मिशन को दान कर दिया। ये जज्बा जब होता है तब परिणाम सामने आते हैं। जब अपने पराये का भाव समाप्त होता है तब आप परिणाम कुछ दे सकते हैं, और प्रयागराज कुंभ का परिणाम अगर हम दे पाए हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था एक यशस्वी नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सबके सामने था, जिनका एक सकारात्मक मार्गदर्शन इस कार्य के लिए मिलता था, लेकिन सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप जीरो कि नहीं आप लोग डिसीजन लीजिए, कार्य करिए, परिणाम दे दीजिए। और आज उसका परिणाम है कि प्रयागराज का कुंभ कुशलतापूर्वक देश और दुनिया में एक नई छाप के साथ संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ।
शुभकामनाएं देता हूँ दैनिक जागरण परिवार को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 23 माह की विकास की यात्रा को और परिवर्तन के उत्तर प्रदेश की जो कार्यकाल रहा है 23 महीनों का। मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा, सुशासन और विश्वास का यह 23 महीनों का कार्यकाल है और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक समर्थ राज्य के रूप में स्थापित करने का यह कार्यकाल है। हम इसमें अवश्य सफल होंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।